नमस्कार। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए पूरी मजबूती से उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा में स्थानीय मुद्दों और जनहित मांगे और किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया। हनुमान बेनीवाल की इस रैली में भीड़ भी अच्छी खासी देखने को मिली। बेनीवाल की सभा में भीड़ देखकर शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि बेनीवाल अगर दलित और मुस्लिम वोटरों को साथ लेते हैं तो कांग्रेस के लिए सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर मुश्किलें बढ़ सकती है और सुजानगढ़ विधानसभा सीट को कांग्रेस अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन यह भी तय हो गया है कि सुजानगढ़ की सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस भी किसानों के नाम पर वोट मांगना चाहेगी और हनुमान बेनीवाल भी किसानों के सहारे इन उपचुनाव में उतरना चाहते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल के द्वारा चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा में रविवार को हुई युवा किसान आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में आरएलपी के चूरू जिले के नेताओं के साथ प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी किसान, युवाओं और गाँव तथा गरीब के मुद्दों व उनके हितों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि सुजानगढ़ क्षेत्र के लोगों को जागरूक होकर आगामी उपचुनाव में मतदान करना होगा। हनुमान बेनीवाल की इस सभा के बाद अब सुजानगढ़ की सीट हॉट सीट बन चुकी है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ में किसका समीकरण बिगाड़ते हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का दावा है कि सुजानगढ़ की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी, लेकिन यह तय है कि इस रैली के बाद कांग्रेस की चिंताएं हनुमान बेनीवाल ने सबसे ज्यादा बढ़ा दी है और अब सुजानगढ़ की सीट जीतने के लिए कांग्रेस नई रणनीति तैयार कर रही है।